हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 18 तारीख है और मैं आपका निफ्टी का ओपिनियन लेके आ रहा हूँ। आप लोग सोचोगे कल मैंने निफ्टी नहीं दिया। कल नहीं दिया इसलिए कि थोड़ा दूसरे टास्क में बिजी था, इसलिए आज निफ्टी का आपको वापस व्यू लेके आया हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा कि यार ये ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी हमको ऊपर का रास्ता दिखा के नीचे चला गया। और जो लास्ट डे क्लोजिंग हुई थी, आप देखेंगे 17 की जो क्लोजिंग हुई थी वो अच्छी नहीं थी। 10453 पे क्लोजिंग हुई, 131 पॉइंट का गिर के इसने क्रुशियल लेवल को भी तोड़ा है, तो कोई बात नहीं है, 1.24% डाउन है। लेकिन मैं इसलिए सपोर्ट से और इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि ऐसा कुछ है। उसका मेन रीज़न आप देखेंगे तो ये देखेंगे, FI और DI का सेल खरीद। FI ने 140 करोड़ की खरीदारी की और DI ने 343 करोड़ की सेल की। जहाँ हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, वहाँ सिर्फ 140 करोड़ का। इसका मतलब है कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं था। हाँ, FI इसमें बाइंग करने के मूड से आया, बट DI चूंकि इसको बाय करते आ रहा था तो इसने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया। और इसमें कुछ भी नहीं जो मेरे को समझ में आ रहा, दिखने को आ रहा है। ऐसा नहीं है कि DI अब सपोर्ट खींच लिया, अब DI निगेटिव हो चुका है। और क्यों होगा निगेटिव, इसका कारण बताइए आपको। अगर आपको यहाँ पे देखे तो आप ये देखिए, अगर मैं कॉमोडिटी में बोलूँ तो ब्रेंड क्रूड किस रेट पे चल रहा है, 78.82, मीन्स अपने क्रूशियल लेवल 80 को तोड़ के चल रहा है। तो ब्रेंड क्रूड अच्छा दिख रहा है आपको। अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ, आपको US डॉलर की बात करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो US डॉलर INR चल रहा है 74 के नीचे चल रहा है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है, 73.55 पैसे पे चल रहा है। रुपया भी खराब नहीं दिख रहा है आपको, ब्रेंड क्रूड भी खराब नहीं दिख रहा है। और आप ये माइनर सा देखेंगे डॉ फ्यूचर्स में, जो USA मार्केट में डॉ फ्यूचर थोड़ी सी कमी आपको, कमजोरी दिख रही है जो रात भर में भी रिकवर हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसको कोई निगेटिव मानता हूँ। ये बहुत बड़ा निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो मुझे इन सबों से अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे कहीं पे भी यहाँ पे निगेटिविटी तो नहीं दिख रही है। अब चलिए मैं आपको दूसरा, इसको एक बार अगर इसके पुट कॉल रेशियो को भी देखो, अगर मैं इसके पुट कॉल रेशियो को देखने जाऊँ तो आप देखेंगे कि उस दिन क्या हुआ था कि पुट की ओर ज़्यादा ग्रीनरी दिख रहा था, हरियाली दिख रही थी आपको, और कॉल के सामने रेड दिख रही थी। ये देखेंगे तो आप 10403 पे क्लोजिंग हुआ 17 तारीख को, 25 अक्टूबर का निफ्टी का ये कॉल है। यहाँ पे पुट साइड है, यहाँ कॉल साइड है। बट चलिए अब इसको एनालिसिस करते हैं, क्या हुआ इस डाटाबेस में, क्या बोलता है ये। तो ये बोलता ऐसा है कि जहाँ पे 10,500 453 पे देखेंगे तो इसका 10,500 का इन एट द मनी अप्रॉक्स समझ सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है 10,500 पे, 10,500 पे आपको दिख रहा है कि 298,000 ओपन इंटरेस्ट की कमी हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो 848,000 शेयर की बाइंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ राइटिंग हो रही है और यहाँ अनवाइंडिंग हो रही है। अब 10,600 पे क्यों वापस, आप खुद ही बताइए कि 10,600 पे क्यों पुट की और बाइंग हो रही है। और क्यों यहाँ पे हर लेवल पे 10,600 पे कॉल में देखिएगा 4,88,000, 10,650 पे देखिएगा तो 1,97,000, 10,700 पे देखिएगा तो 8,15,000, 10,750 पे देखिएगा तो 1,03,000, 10,800 पे देखिएगा 3,85,000। मैं आपको ये बता दूँ, ये दोपहर में ये वॉल्यूम नहीं था, ये वॉल्यूम जैसे जैसे आपको 3 बज रहा था वैसे वैसे इसमें एक्यूमुलेट हो रहा था। और एक चीज आपको बता दो, जहां लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, 11,000 का कॉल देखिए, 10,52,700 एडिशन हुआ है। जो 30 लाख का ये टोटल ओपन इंटरेस्ट था, आज के डेट में 57 लाख का हो चुका है। तो अगर ये ट्रेंड अपवर्ड है कॉल की और बाइंग बढ़ रही है, और आप इधर देखेंगे अनवाइंडिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे 10,400 पे भी अब माइनस सपोर्ट खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब 10,400 नहीं, अब 10,600 के ये सपोर्ट लेवल पे जा रहे हैं। अब इनका जो सपोर्ट बनने वाला है 10,600 पे बनेगा। आप सब जगह बिकवाली देखेंगे पुट की, और सब जगह बिकवाली है, कहीं पे भी खरीदारी नहीं, सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं या जो भी प्रॉफिट मिल रहा था निकल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट था वो निकल रहे हैं। ये कहीं पे भी खरीदारी नहीं हो रही है, अब पुट की ओर खरीदारी नहीं हो रही है, पुट की ओर शॉर्टिंग हो रही है। पुट की ओर शॉर्टिंग हो रही है मतलब कॉल की ओर राइटिंग हो रही है, मतलब मार्केट ऊपर की ओर है। तो इस डाटा फिगर से मुझे कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि ये ऊपर की ओर नहीं लेगा, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उल्टा ऊपर बढ़ गया कि अब तो श्योर लेगा। क्योंकि पहले आप देखेंगे तो 10,400 10,300 पे खरीदारी हो रही थी जो कि बंद हो चुकी है अभी। अब देखिएगा 10,350 पे 1,27,000 टोटल ओपन इंटरेस्ट 2,91,000, ये तो क्या है, ये सिर्फ डम्मी है, डम्मी फिगर किसी ने प्लॉट किया हुआ है, मतलब आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए कि देखो भाई 10,350 पे भी तो सपोर्ट बन रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है। अब आगे जो भी सपोर्ट है 10,600 पे, ये जो प्रॉफिट बुकिंग DI ने की है अच्छी बात है, करना भी चाहिए। 10,198 से आप समझिए कि अब 10,700 पे आ गया था कल, अब 10,700 का हाई लगा दिया था,
निफ्टी, तो आपको समझना चाहिए कि ठीक है एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो तो हो। अब एनएससी के इंडिसेस को भी देखेंगे ना तो नेगेटिव ही दिखा रहा था, ऐसा नहीं। देखिए निफ्टी के कोई भी इंडिसेस देख लीजिए, सबने गिरावट दिखाई थी। और जो मैं जैसा मैंने विक्स बोलता हूँ, विक्स देखिए भी बढ़ गया था, 17.98 हो गया था, तो विक्स में भी उस दिन बढ़त के साथ दिखाई दे रहा था। तो इसके कारण मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई थी। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में आप देखेंगे, और मिड कैप 50 में देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई, और नेक्स्ट निफ्टी 50 में। वहीं अगर सेक्टरल इंडेक्स में जाए तो आपको देखिएगा एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में खरीदारी हुई है, बाकी सारे सेक्टर में बिकवाली हुई है। और सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक देखिए 3.41% के साथ बिकवाली हुई है। तो सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक गिरा है, उसके बाद रियल्टी सेक्टर में बिकवाली हुई है। ये 17 तारीख की कहानी थी। बस इस कहानी को मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं मानने को तैयार हूँ कि ये ट्रांजेक्शन जो था बहुत ही लोअर था, 140 करोड़ का और 343 करोड़ का। दूसरी बात, आज जैसा कि मैंने आपको समझाया पुट कॉल रेशियो में कि कॉल की ओर बाइंग हो रही है, अगर 10 लाख से 11 हजार का कोई बाई कर रहा है तो कोई डुबाने के लिए तो बाई तो कर नहीं रहा होगा, और 10 लाख का शेयर कोई रिटेलर तो करता नहीं होगा। तो ये कोई बड़े फंड हाउस, बड़े बड़े मैनेजर है जहां बाइंग चल रही है, और उनको आप बिलीव है कि ये 11 हजार पे जाएगा। तो इसलिए अभी भी मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी 10 600 का कॉल या 10 550 का कॉल या 10 500 का कॉल यहां से लेता है तो आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स मनी बनना कोई नहीं रोक सकता है। मेरे से पूछे तो मैं 10 500 का कॉल 70 रुपये पे मिल रहा है मेरे को, मैं बेहतर मानूंगा 10 500 का कॉल 70 रुपये लेने के लिए। सती सती तो आपको 4900 5000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, और यहां से आपको 25 50 हजार रुपये कमाना है। तो एक कॉल भी लीजिएगा तो आपको चलेगा, कोई नहीं। टेस्ट करने के लिए, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, एजुकेशन पर्पज से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। 10 500 का कॉल आप 18 तारीख को ले रहे हैं, 19 को लेंगे, 70 के अराउंड में लेंगे तो आपको यहां से मिलेगा वो 5000 के नीचे मिल जाएगा। अगर आप मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है किसी कारण से तो आप चिंता मत कीजिए, 10 550 या 10 600 का लीजिए। 10 600 से ऊपर से लेने से प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अब 10 800 की क्लोजिंग अगर सपोज 10 800 प्लस, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 10 800 प्लस पे ही क्लोजिंग करेगा, तो आप बेहिचक रहिए कि 10 800 प्लस में ही क्लोजिंग करेगा कोई। और ये मैं डाटा बेस पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मर्जी से बता रहा हूँ। चलिए एक बार इसके चार्ट को भी देखते हैं क्या निफ्टी में चार्ट दिखा रहा है। तो मैंने निफ्टी पे सारे RSI, स्टॉकिस्ट, WR, MACD सभी लगा के आपके सामने रखा हूँ, और सबों में थोड़ा थोड़ा निगेटिव ट्रेंड जनरेट तो हुआ है, एक्सेप्ट MACD में है जो कि थोड़ा सा प्लस, जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है नहीं ये, तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। छोड़िए आप इसको, RSI देखिए यहाँ न्यूट्रल पोजीशन पे बना के रखा है और 37 है, एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है। स्टॉकिस में थोड़ा सा निगेटिविटी नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी अगर WR देखेंगे तो नीचे की ओर जा रहा है। तो अगर डेली एक्टिविटी में देखें तो ये थोड़ा सा निगेटिव दिखा रहा है। और मैं आपको एक याद है कि जब मैंने आपको बोला था तो यहाँ पे बोला था कि वीकली का इसका जो मूविंग एवरेज डे होगा ना वो आप चेक कीजिएगा, 50 दिन का चेक कीजिएगा। मैं आपको इसके पहले भी ये बताया था कि इसका मूविंग एवरेज जो रहेगा 50 डेज का वो क्रिटिकल रहेगा। अब चलिए आपको मूविंग एवरेज दिखाता हूँ, इसका जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आपको वीकली का दिखाऊं, और मैंने आपको उस समय भी 50 दिन का बोला था, 50 डेज का बोला था, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्या आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये 10 660 आया था, याद है मैंने आपको उस समय 10 669 बोला था कि 10 700 के आसपास इस पे रेसिस्टेंस है, और देखिए ये जस्ट वहीं जाके क्लोजिंग करके आपके पास 10 660, माने कि यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर मैं इसे वीकली नहीं, ये वीक पूरा कवर कर लिया है, तो अगर इस वीक से जाएं तो इस वीक की जो लो था इसका था 10 138, और यहाँ से ये हाई बनाया था 10 492, और अब ये यहाँ पे 10 411 है। तो ये जो 10 492 का हाई बनाया था, क्लोजिंग 10 472 का दिया था प्रीवियस वीक में, तो यहाँ से आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये ऊपर ही की क्लोजिंग दिया है। 10 लास्ट वीक के क्लोजिंग जो था 10 472, वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, तो लास्ट वीक पे जो था ये 10 472 की क्लोजिंग थी। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो आपको मिल रही है 10 453, तो आप देखेंगे नीरेस्ट इसके नेक्स्ट वीक के ही क्लोजिंग पे दे रहा है, और जो तो इसमें कहीं पे भी और हाई बनाया था 492, तो नीरेस्ट वो क्लोजिंग दे रहा है लास्ट वीक पे। तो आशा है कि ये इसी के ऊपर के और एक क्लोजिंग देगा। और अगर इसको डेली में देखना चाहें आप तो डेली में ट्रेंड चार्ट में भी देख सकते हैं इसको, मूविंग एवरेज जो चल रहा है इसका,
50 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे है। तो अभी इसको अगर डेली पे देखें, कल का ट्रांजेक्शन देखें, आवरली बेसिस पे देख लेते हैं इसको, इसको आवरली बेसिस पे देखते हैं। तो आवरली बेसिस पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे जैसा उस दिन खेल हुआ था वैसा ही खेल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब ये कितना, 17 तारीख है ना, 17, ये 17 तारीख है। यहाँ से ये लिया, यहाँ नीचे की ओर लिया, और नीचे यहाँ पे देखिए ये बेरिश रिवर्सल दिया, फिर वापस बुलिश रिवर्सल किया, यहाँ से बुलिश लिया, बुलिश रिवर्सल दिया, फिर रिवर्सल आया, फिर रिवर्सल आया, और यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल बुलिश को लिया हुआ है, और यहाँ से एक फिर से ऊपर की ओर लिया है, और 10,403 पर भी क्लोजिंग दिया है। तो एक ठीक है निगेटिविटी, यहाँ सेंटिमेंट बना क्योंकि प्रॉफिट बुक करके लोगों को जाना था, जी घर जाने से पहले सोचे कि प्रॉफिट तो बुक कर लूँ। लेकिन देखेंगे तो ये 50 डेज के अप्रॉक्स जो है ना, आप 10,506, इसका जो एक्सपोनेंशियल एवरेज 10,506 के आसपास है, तो उसी के थोड़ा नीचे ये 10,453 पे क्लोजिंग दिया है, 10,504 है इसका, अगर देखेंगे तो 10,504 है 50 डेज का डेमा, तो यहीं पे क्लोज 453 बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ 50 डेज का क्रॉस करेगा तो ये आपको आगे की ओर 90 आगे की ओर फिर लेकर के आपको जाएगा जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी पॉजिटिव ही हूँ, निगेटिव तो हूँ नहीं। और अगर डेली एक्टिविटी पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जो लीडिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर आपको प्लस में दिखा रहा है, ये भी ब्लू लाइन और एवरेज लाइन मिक्स में है, यहाँ पे भी ये न्यूट्रल स्टैंड में दे रहा है, तो यार ऐसा ही भी प्लस ही बता रहा है आपको। और एक चलिए अब इसको हटा करके एक और ले लेते हैं, और एक और लीडिंग इंडिकेटर ले देखते हैं क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर क्या बताता है, तो एक और लीडिंग इंडिकेटर लेते हैं अपन, ये कॉन्ट्रिट चैनल इंडेक्स है, ये क्या बता रहा है, तो ये भी थोड़ा सा इस दिन पे जो बता रहा है यहाँ पे वनडे के चार्ट को देखें तो ये यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर आपको ऊपर की ओर जाते हुए बता रहा है। आप एमएससीडी लाइन भी देखेंगे, एमएससीडी लाइन मत देखिए आप, थोड़ा सा ये लैगिंग इंडिकेटर होता है जो बनाता है, ये ऊपर की ओर तो बता रहा है ये, लेकिन ये देखिए आपको ये देखिए जिस पे मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी चैनल इंडेक्स पे, ये देखिए एक फ्लैट सा बन रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले इंडिकेशन अगर देता है ना तो ये देता है। तो अब यहाँ पे क्या चार्ट बन रहा है आपको डेली बेसिस पे, ये एक अच्छा चार्ट बन रहा है ना, तो ये एक ऊपर की ओर जाने का संकेत तो देता है, और एक लीडिंग इंडिकेटर ये काउंट होता है, तो इसके लिए इस पर हम बिलीव कर सकते हैं। और आपको एक इंडिकेटर देखना है तो और एक इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टॉकिस भी देख लेते हैं अपन, स्टॉकिस तो नीचे की ओर बता रहा है, और चलिए बोलिंगर बैंड ही देख लेते हैं एक बार, इसको बोलिंगर बैंड क्या बताता है आपको, बोलिंगर बैंड क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं। तो अभी इसको मूविंग एवरेज हटा देते हैं इसका, और स्टॉकिस्ट भी हटा देते हैं, तो बोलिंगर बैंड क्या बता रहा है आपको डेली, अगर डेली की एक्टिविटी में देखते हैं तो ये एवरेज के नियरेस्ट में टच करने को तैयार है, एवरेज की ओर जा रहा है ये, तो आप की ओर नीचे जो इसका एवरेज था ये देखिए, जो नीचे का एवरेज है 10,070 इससे तो ऊपर ही है, और जो इसका मिडिल है वो है आपका जो भी मिडिल है 10,740 के आसपास, तो 10,740 की ओर ये बढ़ना चाह रहा है, ये जो है 10,740 है ये इसी की ओर बढ़ना चाह रहा है, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये यहाँ तक का लेवल 11,006 और जो 11,100 यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, इस पर कोई खाली इसको एक बार इसको क्रॉस करेगा तो, जो कि मुझे लगता है कि 10,740 जो है इसका, जो आप देखेंगे 20 डेज का बोलिंगर बैंड्स में बता रहा है एवरेज, तो 10,740 का बता रहा है, तो ये क्रॉस करेगा आपको आपको। और एक जगह से अगर मैं मूविंग एवरेज भी निकालूँ इसका, मैं आपको इसलिए इसके वीडियो को लंबा कर रहा हूँ कि लोग बहुत सारे डर गए होंगे यार, बताते हैं बार बार ये नीचे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये ट्रेडर का जोन है, ये कुछ भी हो सकता है, तो आपको खाली आपको संभल के रहना है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, और नहीं तो जो पोजीशन बना है ना आप उसको बना के छोड़ दीजिए तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे जो 20 दिन का इसका ये एवरेज है 10,713 के आसपास है, जो मैं आपको बता भी रहा था यहाँ पे अभी, तो 10,713 इसका मूविंग एवरेज, सिंपल एक्सपोनेंशियल एवरेज देखेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ है, ये सिंपल एवरेज देखेंगे तो 20 दिन का, तो 10,713 है यहाँ से क्रॉस करेगा तो फिर 10,740,
तो 10,750 अगर क्रॉस करता है मेरे अंदाज से, तो यहाँ एक अच्छा खासा आपको रिकवरी देखने को मिलेगा 750 के ऊपर। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा रिकवरी ले रहा है। आप समझिए कि जो मार्केट कहाँ से था, ये आपको अगर आप देखेंगे तो ये आपको लो बनाया था 10,882, 10,11 जो लो बनाया था ये यहाँ पे, ये लोएस्ट ये बनाया है ना 10,000, आप देखेंगे ये लो बनाया है यहाँ पे 10,138.60। अब यहाँ से आप एक चीज लॉजिकल सोचिए, ये 10,138.60 है और ये भी हाई क्या बना दिया ये यहाँ पे, हाई आपको बनाया 10,710। तो अगर किसी ने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा तो आपको नहीं लगता है कि ये प्रॉफिट बुक किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा, और नहीं किया होगा तो इसको मालूम है यहाँ पे रेसिस्टेंस है। इसके लिए अगर किसी ने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा जो कि 10,138 था, तो वो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखता है। तो वापस मैं आपको पॉजिटिविटी के साथ ही बोलूंगा, अच्छी बातें बताऊंगा। आप देखिए, आप देखेंगे तो वापस आप देखिए करेंसी देखिए अपनी यूएस डॉलर को, ये घट रही है 73, और क्रूड देखिए जिसमें आप लोग खुश होंगे देख करके, क्रूड देखते ही आप खुश हो जाते हैं, वापस ये घट रहा है 78.94 पे आ गया, 1 रुपये 11 पैसे 1.39% का गिरावट है। अब एक चीज और बता देता हूँ, ब्रेंड ये क्रूड में ये अब 75 तक जाएगा, और 75 के नीचे भी 70 भी जा सकता है, तो अब टाइम आ गया इसका, बस अब 80 क्रॉस करना भी भारी पड़ेगा इसको, तो अब ये 75 की ओर जाएगा। तो अब ये मान के चलिए मार्केट में रिकवरी होनी ही होनी है, और नवंबर महीने भी शायद आपको अच्छा दिखाएगा, तो अभी मेरे को कुछ भी खराब तो दिखता नहीं है, तो अच्छा है। आप कुछ भी ट्रेडिंग करने से पहले अपने आपको बाई करना हो निफ्टी, 10,500 का करें, 10,700 का करें, जिसका भी आपको इच्छा हो बाई करें, पेपर ट्रेडिंग करें, लेकिन अगर आपको बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर बाय करें। धन्यवाद। वेलकम दोस्त, आप जिस चैनल में अभी आप देखने वाले हैं उसका नाम है प्रॉमिस टू एम्पावर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए और अपने टाइम को देने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और बेल बटन को ओपन करें, बस इतना ही छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। आप जितने लोगों को फॉरवर्ड करेंगे उतनी ही हमें खुशी होगी, और हम उतने ही और वीडियो खुशी आपके सामने नए नए वीडियो और भी लेके आएंगे। धन्यवाद।